राजस्थान में मंत्री बनने से वंचित रहे 6 विधायकों को मुख्यमंत्री का सलाहकार बनाया गया है। इन्हें मंत्री का दर्जा मिलेगा। इनमें 3 निर्दलीय और 3 कांग्रेस विधायक शामिल है। कांग्रेस विधायक डॉक्टर जितेंद्र सिंह, राजकुमार शर्मा, दानिश अबार, निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा, बाबूलाल नागर, रामकेश मीणा को सलाहकार बनाया गया है। 6 विधायक गहलोत समर्थक है। ये सभी विधायक मंत्री बनने के दावेदार थे। सीएम के सलाहकार नियुक्त होने के बाद अब करीब 15 विधायकों को संसदीय सचिव बनाया जा सकता है। सीएम आज या कल में ही संसदीय सचिव नियुक्त कर सकते हैं। जिन 6 विधायकों को सलाहकार बनाया गया है उनमें पहले सचिन पायलट खेमे में रहे और बगावत के बाद गहलोत खेमे में आए दानिश अबार का नाम सबसे चर्चा में है। पहली बार विधायक बनने वाले मंत्री नहीं बनाने का फॉर्मूला तय हुआ था, लेकिन अब ऐसे विधायकों को सलाहकार बनाकर एडजस्ट किया जा रहा है। जिन 3 निर्दलीय विधायकों को सलाहकार बनाया गया है उन्होंने लगातार पायलट कैंप को निशाने पर रखा था। सीएम के सलाहकार बन गए डॉक्टर जितेंद्र सिंह गहलोत के पिछले साल के अंदर राज्य के अंदर ऊर्जा मंत्री थे। इस बार भी मंत्री बनने के दावेदार थे। गुर्जर समाज से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता में इनकी गिनती होती है। गुर्जर समाज में महिला विधायक शकुंतला रावत को कैबिनेट मंत्री बना दिया था, जिसके बाद में वे मंत्री नहीं बन सके। राजकुमार शर्मा पिछली बार सपा से कांग्रेस में शामिल हुए थे। रिपीट, राजकुमार शर्मा पिछली बार बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए थे। उस वक्त उन्हें चिकित्सा राज्य मंत्री बनाया गया था। इस बार भी वे दावेदार थे। झुंझुनू से ब्रजेश ओला और राजेंद्र गुड़ा को सियासी समीकरण साधने के लिए मंत्री बनाना जरूरी था, इसलिए अब उन्हें सलाहकार बनाकर संतुष्ट किया गया है। सवाईमाधोपुर से कांग्रेस विधायक दानिश अबार पहले पायलट खेमे में थे। पिछले साल सियासी संकट में गहलोत खेमे में आए। उस वक्त की वफादारी का अब सियासी इनाम दिया गया है। अल्पसंख्यक चेहरे के तौर पर भी भागीदारी में रहे थे। संयम लोढ़ा सिरोही से निर्दलीय जीते और सरकार का समर्थन किया। सियासी संकट के वक्त लोढ़ा ने मुखरता से सीएम गहलोत का पक्ष लिया। लोढ़ा मंत्री बनने के दावेदार थे, लेकिन फॉर्मूले में फिट नहीं बैठे। अब सलाहकार के तौर पर भागीदारी में थे। संयम लोढ़ा ने कई बार पायलट कैंप पर भी निशाना साधा है। निर्दलीय विधायक रामकेश मीणा सीएम के खास है। पिछली बार बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए थे, तब संसदीय सचिव थे। इस बार भी गंगापुर से निर्दलीय जीतते ही गहलोत का समर्थन किया गया। साथ ही रामकेश मीणा ने सचिन पायलट और उनके कैंप के खिलाफ जमकर नारेबाजी की थी। बाबूलाल नागर गहलोत के पिछले राज में खाद्य मंत्री थे। इस बार टिकट कटने के कारण बगावत करके दूर दूर से निर्दलीय विधायक लड़े। नागर शुरू से ही कट्टर गहलोत समर्थक रहे हैं। पायलट कैंप के खिलाफ नागर भी खूब सक्रिय रहे। नागर भी मंत्री बनने के दावेदार थे। अब बदले सियासी समीकरणों में उन्हें सलाहकार बनाकर रास्ता निकाला गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, DPK न्यूज़, जयपुर।